गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. टुडे आई विल टेल केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर. देखिए, नॉमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने बना लिया, ठीक, लेकिन उसका नाम कैसे रखा जाए. ठीक है, तो देखिए, एक टाइप का नाम होता है IUPAC नाम, नेम. ठीक है, एक जनरल नेम आपने रख दिया, ऐसे आप एथेनॉल रख दीजिए, मेथेनॉल रख दीजिए, प्रोपेनॉल रख दीजिए. ठीक है, बट इन जनरल नेम को छोड़ के आप IUPAC नेम कैसे रखेंगे. ठीक, तो देख लीजिए. तो इसके लिए नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि नॉमेनक्लेचर में नाम कितने टाइप के रखे जा सकते हैं. देखिए, नॉमेनक्लेचर में नाम आप 3 टाइप के रख सकते हैं. ठीक है, एक होता है नॉर्मल, ठीक है, दूसरा होता है आइसो और तीसरा होता है नियो. ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि एक ही कंपाउंड को आप 3 तरीके से उसके नाम रख सकते हैं. ठीक है, अब सीधी सी बात है, जैसे आप ले लीजिए प्रोपेनॉल, एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रोपेनॉल ले लीजिए. तो प्रोपेनॉल का फॉर्मूला पहले ले लेंगे. तो प्रोपेनॉल का क्या होता है, मीन्स प्रोपिल एल्कोहल. ठीक है, मीन्स C3H7OH. अगर आप स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए, 3 कार्बन जानते हैं आप, 3 कार्बन ऐसे रख दिया, 7H रखे जाएंगे, ठीक है, ये देखिए 7H रखे जाएंगे और एक जो बचा जगह उसकी जगह OH रख दिया जाएगा. मीन्स अब इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3, CH2, CH2 और OH रख दिया, ये फॉर्म. ठीक, आप इसमें नंबर्स काउंट करेंगे 1, 2, 3. ठीक है, अब इसमें आपका देखिए 3 पे एल्कोहल लगा हुआ है, लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, 3 ऑल 3. अब एल्कोहलिक ग्रुप को ऑल भी तो कहते हैं, 3 ऑल. ठीक है, प्रोपेन. ठीक है, अब हमने बताया है कि आइसोनियो का यूज कब होगा. एक चीज बता दें, अगर चैन आपकी स्ट्रेट चली जाती है, फॉर नॉर्मल के लिए अगर स्ट्रेट चैन हो, स्ट्रेट चैन, नो एनी ब्रांच, ठीक है, तो चैन जो होगी होगी वो नॉर्मल होगी, जो आपका नेम होगा ना वो नॉर्मल होगा. अगर इफ वन ब्रांच, अगर एक ब्रांच लगा दी जाए, ठीक है, तब जो होगा वो आपका आइसो में लिखा जाएगा. और अगर मोर देन वन ब्रांच हो जाते हैं, मोर देन वन ब्रांच, तो आपका नियो में हो जाएगा. आप दिखाई दे रहा है, यहां पे एक ब्रांच निकली हुई है, ये देखिए 3 पे आपने OH लगा के एक नई ब्रांच निकाल दी है. ठीक है, तो अब इसको लगा दिए, तो यहां पे आप इसको क्या लिखेंगे, आइसो में लिखे जाएंगे. मींस ये आपका हो जाएगा IO3 ऑल, IO प्रोपेन, ये हो गया आपका. ठीक है, आप इसको नॉर्मल में भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे ये देख लीजिए. जैसे यहां पे लिखा हुआ है CH3, CH2 और ये CH2OH लिख दिया. ठीक है, अब इसमें क्या लिखे थे, 1, 2, 3. 3 पे देखिए ऑल लगा हुआ है, तो लिखे देंगे 3 ऑल N प्रोपेन. ठीक है, N का मतलब नॉर्मल. ठीक है, मतलब है एक ही कंपाउंड, ठीक है, लेकिन उनके नाम लिखने के तरीके अलग अलग हैं. अब एक चीज बता दें, आप चाहें इसमें तो आप अगर मोर देन वन ब्रांच निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यदि लिख दीजिए, जैसे CH3, CH2, CH2, एक आपने OH यहां लगा दिया, तब क्या करेंगे, मोर देन वन ब्रांच निकालने के लिए ये H यहां से हटा के इसके ऊपर हमने CH3 लगा दिया. ठीक है, अब देखिए आप 1 और 2, ठीक है, तो 1 पे ऑल लगा हुआ है,
तो वन ऑल, टू पे मेथिल लगा हुआ है, टू मेथिल, ठीक है। और ये आपका एक, हमने कहा ना मोर देन वन ब्रांच, तो क्या होगा नियो, नियो, और ये क्या हो जाएगा इन भाई मेथिल एक तो आप जोड़ चुके हैं, तो ये दो कार्बन एथ में जाता है ना, तो इसको कहेंगे इथेन, नियो इथेन कहेंगे। ये हो गया इसका नाम, वन ऑल टू मेथिल नियो इथेन हो गया, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम में आपके आएंगे, स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाएगा, कहेंगे इसके आईयूपीएसी नेम लिखिए, यही इसका आईयूपीएसी नेम इस टाइप का लिखा जाएगा, कोई भी आप लिख सकते हैं। देख लीजिए और देख लीजिए कंपाउंड, जैसे हमने ऑल ग्रुप का बना दिया, अब इसको हाइड्रोजन में आते हैं, देख लीजिए अगर ऑल ग्रुप के बजाय आप हाइड्रोजन में आते हैं, फॉर हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन में आते तब क्या होगा, हाइड्रोजन में आप ले लीजिए जैसे ब्यूटिल क्लोराइड मींस C4H9Cl, ठीक है, इसका जनरल नेम आप ब्यूटिल क्लोराइड ही तो लिखेंगे, ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसको नॉर्मल आइसोनियो में पहले तो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले आप एक सीधा संबंध बनाएंगे, पहले विदाउट ड्राई, विदाउट एनी स्ट्रक्चर, आप बिना बाउंडेड स्ट्रक्चर के कोई सा फॉर्मूला लिख नहीं सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, देख लीजिए चार कार्बन है यहां पे, चार कार्बन लगा दिया, एक दो तीन, दो पांच, दो सात, दो नौ, और एक जगह जो बची वहां पर सीएल जोड़ दिया, इसकी जगह बेच लगा दे सर, ठीक है। तो ये हो गया CH3, CH2, CH2 और CH2, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस क्लोरीन को यहां पे ब्रांच लगा के निकाल देते हैं, ठीक है, तब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए यहां पे वन पे क्लोरो लगा हुआ है आपका, ठीक, क्लोरीन लगा हुआ है ना, तो वन तो क्लोरो हो जाएगा आपका, वन क्लोरो, ठीक। अब उसके बाद हमने बताया ना एक ब्रांच निकली तो आइसो लग जाएगा, तो वन क्लोरो और हो जाएगा आइसो, और चार कार्बन उन्होंने ब्यूट में जाएगा तो वन क्लोरो आइसो ब्यूटेन। और एक चीज बता दें, जब भी आईयूपीएसी नेम इसमें लिखेंगे तो मोस्टली क्या, इसमें ज्यादातर आप एल्केन ग्रुप से ही रिलेशन रखेंगे, उसका रीजन बता दें इसके सारे बॉन्ड जो होंगे वो सिंगल होंगे, कहीं डबल बॉन्ड नहीं होगा। अगर बाय चांस जैसे कहीं डबल बॉन्ड दे देता है, ठीक है, तो वहां आपको बताएंगे बाद में, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे उसका आईयूपीएसी नेम कैसे, पहले इनिशियल स्टेज में जान लें कि ये वन क्लोरो आपका आइसोब्यूटेन है। अब इसी को अगर हम नॉर्मल में लिखेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए नॉर्मल में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, CH3, CH2, CH2 और CH2Cl, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, तो वन पे क्लोरोफिल लगा हुआ है, वन क्लोरो, फिर एन ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, एन ब्यूटेन। अब आती है बात नियो कैसे लिखेंगे। अब देखिए एक ही कंपाउंड को हम तीन तरीके से उसके नाम लिख रहे हैं, ये देखिए CH2, 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 ये लिख दिया, एक जगह पर हमने CH3 यहां पर जोड़ दिया, ये CH3 हमने उठा के इसके ऊपर जोड़ दिया, और इसका Cl निकाल के हमने यहां जोड़ दिया, ठीक है। अब देख लीजिए 1 2 3, वन पे आपका क्लोरो लगा हुआ है तो लिख देंगे वन क्लोरो, ठीक, फिर थ्री पे मेथिल लगा हुआ है, थ्री मेथिल, और एक मोर देन वन ब्रांच, हमने कहा मोर देन वन ब्रांच नियो में जाएगी तो थ्री मेथिल नियो, और क्या हो जाएगा तीन कार्बन आपके इस लाइन में है, मेथिल नहीं लेंगे, तीन कार्बन लाइन में है तो क्या हो जाएगा नियो प्रोपेन, ये आपका हो गया। ये देखिए एक ही कंपाउंड है और उसकी नेमिंग हमने तीन तरीके से कर दी, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ऐसे ही कोई सा भी ले लीजिए आप। अब बात आती है जैसे एल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड हमने बताया, एल्डिहाइड का जन्म फॉर्मूला अगर कहीं CHO लगा हुआ है तो उसको जानेंगे वो एल्डिहाइड है, ठीक। अब जैसे लिख लें C4H9
CHO, ठीक है, C4H9CHO, इसको कहते हैं जनरली पेंटलडिहाइड या पेंटेनल, ठीक है, पांच कार्बन होने पे पेंटेनल हो जाएगा, जनरली नाम इसका रखेंगे पेंटेनल, ठीक है। अब पहले अब इसके इसके लिए भी इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, देख लीजिए कैसे, एक दो तीन चार, ठीक है, और इसको एच लगा दें, ठीक है, अब देख लीजिए, ठीक है, अब देखिए CH3 CH2 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 और CHO लगा देंगे इसमें, ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक। अब एक काम करिए, आप देखिए इसमें काउंट करिए, तो 1 पे आपका अल लगा हुआ है, तो लिख देंगे 1 अल, 1 पे अल हो गया, ठीक है, 1 अल होने पे बाद आपके इस सीरीज में चार लगे हुए कार्बन, तो सीधे 1 अल आपका क्या हो जाएगा, और एन ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन जा रही है, एन ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक। अब इसको आइसो में लिखने के लिए CHO की ब्रांच निकाल दीजिए, आप लिख लीजिए CH3 CH2 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 और CHO, ठीक है, 1 2 3 और 4। अब देखिए 1 पे अल लगा हुआ है, तो 1 अल हो गया, ठीक है, और एक ब्रांच होने पे आइसो में जाएगा, आइसोब्यूटेन, ठीक। और ऐसे इसको नियो में लिख देंगे तो हो जाएगा आपका CH2 CH2, ठीक है, और फिर लगा दिया CH2, इस पे लगा दिया नीचे CHO, और इस पे लगा दिया CH3, 1 2 3, तो 1 पे अल लगा हुआ है आपका, 1 अल, 3 मेथिल, नियो मोर देन 1 है, नियो, और 3 कार्बन पे प्रोपेन, ठीक है। ये आपके 3 फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर आपके कंप्लीट हो गए, कि आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको आप सारे फॉर्मूले मैथ एथ प्रोब ब्यूट, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे मैथ और एथ में, ठीक है, आप केवल स्ट्रेट चैन ही बनाएंगे, मैथ और एथ में केवल नॉर्मल ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रांच पॉसिबल नहीं है उसमें, इसलिए मैथ और एथ में आप जो है, आपको हमने 3 बताए, ऑल हैलोजन और अल, ठीक है, ये 3 बताए, तो इसमें तीनों में एक चीज केयर करिएगा कि मैथ और एथ जिसमें दो दो कार्बन, एक या दो कार्बन है, तो इसमें ब्रांच पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इसमें केवल नॉर्मल स्ट्रेट चैन ही बनाएंगे, केवल इसकी नेमिंग जो रखेंगे वो स्ट्रेट चैन ही रखेंगे, लेकिन जिसके बाद जब प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट में जाएंगे तो आप आइसो और नियो ब्रांचेस बना सकते हैं, तो इसके सारे फॉर्मूले आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके, ऑल हाइलोजन अल के सारे फॉर्मूले कंपाउंडले विद विद स्ट्रक्चर विद बॉन्ड स्ट्रक्चर आप इसको कंप्लीट कर लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमने बताया था मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, ठीक है, आप उसको मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके, थैंक यू।